वेलकम बैक नाज़रीन, दिस इज द मॉर्निंग लाउंज। जो चश्मे मैंने पहने क्योंकि मुझे पढ़ना है और पढ़ना है आपके दिए हुए एसएमएसेस, और साथ फिर मैं मेहमान को जो है शामिल करूंगी। महजबीन फ्रॉम कराची, अंबर आपका शो बहुत अच्छा है, हमें घर बैठे कीमती मालूमात मिलती रहती है। प्लीज डॉक्टर हिना का नंबर दे दीजिए, और हमें जो है और जिसने लिखा है उन्होंने अपना नंबर नहीं लिखा। साथ शाजिया अदनान है फ्रॉम कराची। गुलशन इकबाल, सलाम अमर बाजी, मेरी कज़न की शादी है 16 फेब को, तो प्लीज़ मुझे मेकओवर के लिए आप आ जाइए, इंडस आके हमसे मिल लें तो इंशाल्लाह आपको मेकओवर भी दिया जाएगा। अच्छा जी, रुकैया फ्रॉम कराची। रानी और अनीस साहब ने जो वाइट बालों के लिए जो टिप बताई थी और उसके साथ ही बालों पे कलर करने का तरीका भी बताया था, दोबारा बता दें। मुझे रानी बाजी का नंबर चाहिए, SMS कर दें प्लीज़। शबाना फ्रॉम पेशावर। अस्मा फ्रॉम फैसलाबाद, प्लीज़ रानी जो रानी बाजी ने जो जिंजर ऑयल कहीं से कहाँ से मिलेगा, बस समझ गए बस जो आप चाह रहे थे। मुझे रानी साहिबा का नंबर चाहिए फ्रॉम मिसेज मोगल कराची। अब मैं खास से बहुत आगे मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँ। नाजिश रावलपिंडी से ने के मोटा होने के लिए प्लीज़ टेल मी सबर दोबारा पढ़ लूँ, दुबला होने के लिए। नाजिश फ्रॉम रावलपिंडी, मोटा होने के लिए यार मत दुआ मांगो, पे चश्मा उतार देती हूँ मैं, क्या जरूरत है, अच्छी वाली स्मार्ट हो खूबसूरत हो, ठीक है। एक मैं समझ गई, आपको एक फिगर मेंटेन चाहिए कि बहुत भी बिल्कुल हड्डियाँ जैसी कोई गोश्त ही ना हो जिस्म पे, बिल्कुल ही थोड़ा सा आगा। आप मोटा होने का तो इतना आसान तरीका है, चले हम मैं मेहमान को शामिल करती हूँ और फिर हम आपको जो है आपकी जो जो आपने SMS अभी ज़रा से पढ़े हैं मैंने थोड़े से, वो हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान पढ़ेंगे। हमारे साथ ब्यूटिशियन रानी प्लस हर्बलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और ठंड जो है बड़े मज़ेदार, बहुत मज़े की है, और बहुत ऐसा हड्डों के अंदर सोचे हम इतनी ठंड लगती है जो बेचारे वहाँ पे क्वेटा और इधर है लाहौर, यहाँ तो बहुत ठंड होती है, बहुत ज्यादा, लेकिन ठंड बहुत इंजॉय करता है आदमी क्योंकि मेहमान कम अज कम मार्च के एंड तक रहे। बिल्कुल, मेरी भी यही दुआ है क्योंकि बारिश के बाद जरा यहाँ पे कम हो गई है, तो मैं चाहती हूँ अल्लाह करे बहुत रहे, कम से कम मार्च तक जरूर रहे। सब कुछ बाल भी स्किन पे, खैर ड्राइनेस होती है लेकिन मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ठंड मेहमान होती है। हाँ, और ड्रेसिंग आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं तो उसमें आप एंजॉय भी कर रहे हो। ड्रेसिंग है, मेकअप है, स्टे करता है बहुत लॉन्ग टाइम तक, और मेकअप करने में मजा आता है, दिल चाहता है वेदर के लिहाज से कि थोड़ा सा। तो शादियां भी तो है लोगों की, और हमारे तो हमारा तो खुद इंडस की शादी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे यहाँ भी शादी है। ओए आखिर में शादी है जी। अब सोचे हम भी रोज तैयार होंगे, रोज कपड़े, रोज ज्वेलरी, अल्लाह। और आप भी आएंगी इस शादी में इंशाल्लाह। अच्छा जीरानी साहब, आज जो जो प्रोजेक्ट है वो हम थायराइड पे बात करेंगे। थायराइड भी आई थिंक एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और तकरीबन जिस तरह से ब्लड प्रेशर है तो ऐसे काफी लोगों को थायराइड की भी प्रॉब्लम है जिसमें दो किस्म के थायराइड, एक आपको मोटा करता है और एक आपको दुबला करता है, ठीक है। खैर वो बात अलग है, पहले लेकिन हम चाहेंगे कि हम बात करेंगे साइनस का जो ऑयल हमारा था, हमने आपको बताना था वो ना कि सिर्फ साइनस बल्कि और बहुत सी चीज़ों पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जी। साइनस का जो ऑयल हमें आज बनाना था, या हम बताइए कि हम पकाकर बनाकर बताएंगे या वैसे ही बता दें? नहीं नहीं, पकाकर, ठीक है, तो हम बता देते हैं कि उसके अज्जा फिर हमारी लाइट जो है, हाँ हाँ, एंड में बताएंगे फिर, ठीक है। साइनस का जो ऑयल हम आपको बताएंगे ना सिर्फ ये कि साइनस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बल्कि बहुत सारी ऐसी तकालीफ के लिए जो जैसे कि जिस्म पर एक्जिमा है, सोराइसिस के बाद जो प्रॉब्लम हो जाती है कि एकदम ईचिंग होने लगती है जख्मों में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर के तमाम अमराज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और स्किन की जो भी प्रॉब्लम है अगर उसके ऊपर ये वाला ऑयल लगाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जी, ये ऑयल जो आपको बनाना है इसके अज्जा हैं, ऑलिव ऑयल के अंदर ये ऑयल बनेगा, और ये साइनस के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। और साइनस वो मर्ज है कि जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और उसकी वजह क्या होती है कि कंजेशन होता है सीने के ऊपर, नाक बंद हो जाती है, नाक के हुदूद बढ़ जाते हैं, नाक की हड्डी बढ़ जाती है या नाक का गोश्त बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो हमारे सांस लेने की जो हमारे नोज के स्पॉट है, नोज़ल जो हमारे हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं,
और जब जिसके जरिए हम सांस लेते हैं जब वो रास्ता ब्लॉक है तो जाहिर है कि उसमें प्रॉब्लम होगी, उसके लिए एक बेहतरीन अच्छा, तेल है। तो मैं थोड़ा सा कॉल ले लूं, फिर आप स्टार्ट कीजिए। तेल पकाना नहीं सिखाएंगे, यही बना देंगे, पकाना सिखाएंगे। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंबर बाजी। जी जी, कौन बात कर रहा है? मैं बुसरा शहजाद लाहौर से बात कर रही हूँ। कैसी है बताएं, लाहौर में सर्दी? हाँ जी, सर्दी तो बहुत ज्यादा, ठंडी हवाएं चल रही है। अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही है। हाँ जी। ओए होए होए, जबरदस्त। हाँ जी, क्या चल रहा है मुझे बताएं, अभी घर में क्या कर रही हैं आप इस वक्त? मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही। क्यों आवाज नहीं आ रही? अल्लाह, हमारी खूबसूरत आवाज है, हम मिस कर रही हैं। अच्छा चल, आपकी क्या खिदमत की जाए? मैंने किसी दफा भी रानी बाजी आई थी तो मैंने आपको अपने दो मसले बताए थे। तो हमने तो सारे कर लिए थे, बताएं क्या थे आपके? मुझे हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछना था। वो तो हमने शो करना है, वो तो मैंने आपसे कहा था, वो अब करना है, वो डॉक्टर साहब को बुलाना है। और मेरी छोटी बेटी है नौमा की। जी, वो माशाल्लाह एक्टिव है, हर तरह से सही है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा। उसका भी हमने ठीक किया, बिल्कुल ठीक है। चले, हमने वैसे दोनों डिस्कस कर लिए थे लेकिन आपको दोबारा बता देते हैं, ठीक है? आपने कॉल किया है, ठीक है। उसका वजन नहीं बढ़ा ना? मेरी तरफ से ना आप थोड़ा सा मुझे हाथ ला रहे ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी कॉल मिली है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। पहले हम इनका हेपेटाइटिस सी का इलाज बता देते हैं, जो कि घरेलू तौर पर है कि एक टुकड़ा फिटकरी को आप तवे के ऊपर चूल्हा जलाकर तवा रखें और उसके ऊपर खील कर दें। हाँ। खील करने का तरीका ये होता है कि फिटकरी को जब आप गर्म तवे पर रखेंगी तो पहले वो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी, उसके बाद जब आप चूल्हा बंद कर देंगी वो खुद ही सख्त हो जाएगी। इसको बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर रख लीजिए और एक चुटकी रोजाना, लेकिन इसके साथ जो शर्त है वो है गाय के दूध का दही, यानी गाय का दूध हमें चाहिए दही जमाने के लिए। गाय का दूध? हाँ। अच्छा, तो घर में जो दूध आता है कौन सा होता है? हमारे भैंस का होता है। अच्छा, गाय का दूध जो होता है, बहुत सारे लोगों के पास जिन्होंने गाय भैंसों का जिनका कारोबार होता है उनके पास बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, या काउ मिल्क के नाम से पाउडर मिल जाता है, आप खरीद लीजिए और रोजाना एक पाव दूध आपको बनाकर उसकी दही जमानी है और सुबह नहार मुँह एक चुटकी फिटकरी पहले दिन और एक कप गाय के दूध का दही, दूसरे दिन दो चुटकी फिटकरी और एक कप गाय के दूध का दही, तीसरे दिन तीन चुटकी फिटकरी पिसी हुई और एक कप गाय के दूध का दही, फिर पूरा महीने तीन चुटकी फिटकरी और एक कप गाय के दूध का दही खाना है। एक माह के बाद अपना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करा लीजिए, अल्लाह ने चाहा वो क्लियर हो जाएगा जी। अच्छा, अल्लाह के फजल से जी। अच्छा चले, कॉल लेते हैं आप। ये वाकई अच्छा, ये फिटकरी जो खानी है जी जी, और दही भी उसी वक्त खाना है जी जी, साथ पहले फिटकरी मुंह में रखेंगे फिर दही, निहार में उसके बाद जो मर्जी है खाओ, थोड़ी देर जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं राजदा बात कर रही हूँ फ्रॉम हैदराबाद। यस राजदा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। आप हमें देख रही हैं, हम तो आपको देख नहीं सकते, आप बताइए। हाँ, मैं अभी दूसरे रूम में हूँ, फोन दूसरे रूम में, देखूंगी अभी जाके। अच्छा। मैंने विन किया था ना दोनों तरफ से। अच्छा, आपने वहाँ पे कौन सा विन किया था? उसका आपका शो, आपके फॉलोअर का भी और यानी उसके भी, मैडम कवर नफीस के फॉलोअर का भी। ठीक है, आप शौक से आ जाइए, आप जब आए आप वैलेंटाइन से पहले आ जाइए, पैकेज सी आपको मिल जाएगा, वैलेंटाइन स्पेशल। तो आपका नंबर वगैरह अगर हम आए तो? अच्छा जी, ये कॉल इनकी नोट डाउन कर लें जो भी है, मैं अब मुझे यहाँ से दे दें तो आपको मैं कॉल करके जो है ना अपना नंबर दे दूंगी सैलून का, ठीक है? नो प्रॉब्लम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे प्लीज काइंडली नंबर दे दीजिएगा। अच्छा जी, रानी साहिबा, अभी आपने ये बताया। अच्छा, अब जो है उनकी जो स्लो चाइल्ड का था वो तो शायद बताया था हमने। हाँ, नहीं, स्लो चाइल्ड का हमने नहीं बताया, उनका चाइल्ड स्लो नहीं है बल्कि कमजोर है, बहुत है। अच्छा, कमजोर ये है कि अपने बच्चे को दिन में तीन बार आप सूजी का हरीरा पिलाइए, उससे आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची मोटी हो जाए, इनकी जो बेटी है ये चाहती है मोटी हो जाए, यानी दूसरे अल्फाज में कि वो कमजोर है। तो बड़ों के लिए भी, जो एक कॉलर ने हमें फोन SMS आया हुआ है कि जी मोटा नहीं, होने का नहीं, बड़ों के लिए मैं इलाज बता देती हूँ जो SMS है, लेकिन जिन जो माएं अपने बच्चों के दुबलेपन से परेशान है कि बच्चे उनके स्किनी हैं, माएं चाहती हैं कि बच्चे बहुत मोटे हैं, वो दिन में तीन बार, जो एक साल तक के बच्चे हैं उनके लिए एक टीस्पून सूजी
पहले घी के अंदर या ऑयल के अंदर भून लें और उसके बाद उसको एक कप पानी में पकाएं। वो हरीरा बिल्कुल पतला होगा। जो बच्चे फीडर पे हैं वो फीडर के जरिए पिला सकते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उसको कप के जरिए और स्पून के साथ पी सकते हैं। ठीक है। एक टीस्पून सूजी चीनी उसमें हसबे जरूरत डालिए शुगर अपने और एक कप पानी में ये पकाएंगे तो पतला सा होगा। ये जिस्म को फरबे कर देगा यानी बच्चे मोटापे की तरफ माइल हो जाएंगे। अच्छा। जो माँ ये चाहती हैं। अच्छा, जो बड़ी हैं जिन्होंने कहा कि वो स्किनी है और उनका जो वज़न है वो उम्र के लिहाज से या तो कम है या वो अपना वेट बढ़ाना चाहती हैं, उसके लिए ये है कि सफ़ेद तिल, नारियल, अच्छा सफ़ेद तिल, नारियल और मिश्री तिल वाह नारियल और मिश्री और मिश्री। ठीक है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल हम वज़न लेकर और बादाम। ठीक है। सफ़ेद तिल, नारियल, मिश्री और बादाम। हाँ, ये चार चीज़ें हम वज़न ले लीजिए, जैसे 20-20 ग्राम ली या 25-25 ग्राम ली। इन चारों चीज़ों को पीस कर पाउडर बना लें, एक बॉटल में रख लें और हर रोज़ रात को एक टेबल स्पून के साथ एक टेबल स्पून पाउडर बनाकर अपने मुंह में रखें और ऊपर से गर्म दूध पीकर सो जाएं। तकरीबन 3 महीने में उनका वेट उनकी हंस पे ख्वाहिश हो जाएगा और अगर इससे पहले उनका वेट ज़्यादा हो जाए जहाँ पर उनको जितना वेट चाहिए वहाँ पर स्टॉप कर दें। बहुत ज़्यादा अपने इस्तेमाल में मत रखिएगा वरना वेट बढ़ता ही रहेगा। फिर कहेंगे दुबला होने का हमें टिप बताइए। अच्छा, जो लोग बहुत स्किनी है जी बिल्कुल हो जाएगा, जो लोग बहुत स्किनी है उनके लिए। काश ऐसा होता कि हम भी अपना गोश्त डिपॉजिट कर देते कितना अच्छा था, आराम से खाते मगर हर चीज़ इज़ नॉट ईजी जी। अच्छा जी, ये था जो कि एडल्ट्स को वो होना है ना, बड़ों को। ठीक है, लेकिन अच्छा वेट बढ़ाना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को फिट करना है। ठीक है, अब आप बता दें। चलिए, अच्छा जी, अब हम थायराइड पे बात कर लें जी। थायराइड पे, थायराइड दो तरह के होते हैं, एक हाइपो और एक हाइपर। ठीक है। हाइपो जो होता है वो अंदर होता है यानी उसके जो ग्लैंड्स हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, जो एक गिलहड़ बन जाता है वो अंदर होता है, और जो हाइपर होता है वो बाहर की तरफ से गला सूज जाता है। अच्छा। और सभी जानते हैं कि ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और आयोडीन की कमी सबसे पहले हम किस तरह पूरी कर सकते हैं, वो इस तरह पूरी कर सकते हैं कि सी फूड्स जितने भी हैं जैसे झींगा है, मछली है, ये बहुत ज़्यादा अगर हम अपने इस्तेमाल में रखते हैं तो कभी भी हमें थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होता। और आयोडीन हासिल करने के लिए गोभी और अनानास भी एक बेहतरीन फल और एक बेहतरीन फ्रूट है। गोभी और अनानास का जो लोग मुस्तकिल यानी गोभी पका कर खाते हैं और अनानास एज ए फल इस्तेमाल करते हैं वो भी थायराइड से बच जाते हैं। इसके अलावा अंडे में, दूध में, दही में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। यानी हमें कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा शुरू से ही मुतदिल रखना चाहिए, उसमें हम किसी भी चीज़ की, और गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है, गाय का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, वाइट मीट है, मुर्गी है, ये हमारी हम चिकन हो गई, मटन हो गया, बीफ हो गया, और झींगे हैं हमारे प्रॉन्स। अच्छा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है। तभी कहा जाता है कि इंसान अपनी डाइट में ना हर चीज़ शामिल कर ले, शामिल कर ले तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। इन चीज़ों से हमें आयोडीन मिलता है, और जिन लोगों को थायराइड हो जाता है वो अब इससे किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि थायराइड वैसे तो यानी थायराइड की जो सिम्टम्स होती हैं वो ये होती हैं, या तो वज़न बहुत कम होने लगता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर, भूख लगती है, नहीं भूख बिल्कुल नॉर्मल रहती है लेकिन बेवजह या तो वज़न बढ़ने लगता है बहुत, या बेवजह वज़न कम होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी थायराइड की वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और अंदर तकलीफ होती है। यानी ये इसके सिम्टम्स होते हैं कि गले में कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं कि गले में बहुत तकलीफ हो रही है, या कभी कभी ये होता है कि सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, बेवजह बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाना, या कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया हो लेकिन वो बहुत डिले कर रहा हो और ठीक ना हो रहा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये इस बात के सिम्टम्स हैं कि खुदा ना खास्ता थायराइड हो गया है। थायराइड ये हमारे जो वदूद हैं जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं, ये हमारे बॉडी के दरबान हैं, अगर इसका ख्याल ना रखा जाए, यानी जिनको नज़ला जुकाम की शिकायत रहती है या कहते हैं हमारे गले आ गए, टॉन्सिल्स हो गए, अगर उसका पूरी तरह ख्याल ना रखा जाए, पूरी तरह उसका इलाज ना किया जाए तो ये थायराइड में तब्दील हो जाते हैं, और जब थायराइड हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। थायराइड बजाते खुद एक बीमारी है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि थायराइड जो